भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह। जी हाँ, हम ये न्यूज़ थोड़ा लेट डाल रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि गर्वान्वित महसूस कराने का एक मौका पवन सिंह नहीं छोड़ते। अब आप ये कहेंगे कि लेट न्यूज़ बासी न्यूज़ होती है, वो तो हमें पता ही होगा, हम क्या नया बताने वाले हैं। हम नया कुछ नहीं बताएंगे, लेकिन भाई जब पवन सिंह की न्यूज़ है तो कितनी भी पुरानी न्यूज़ हो, कुछ ना कुछ चीज़ें तो नई होती हैं। आपने पवन सिंह का गाना वंदे मातरम तो सुना ही होगा, जो भोजपुरी में आप सुन रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि वंदे मातरम जो भोजपुरी में पवन सिंह ने गाया है, उनसे पहले आत्मनिर्भर बनेगा भारत मैनकाइंड का ये गाना 7 और लैंग्वेजेस में गाया जा चुका है। कैलाश खेर ने हिंदी में गाया है तो पंजाबी में दलेर मेहंदी, कन्नड़ और मलयालम में शंकर महादेवन, मराठी और बंगाली में कैलाश खेर ने एज यूजुअल। लेकिन जब भोजपुरी की बात हुई तो भोजपुरी में तमाम दिग्गज गायक थे, उन सबको पछाड़ते हुए सबसे मधुर आवाज जब जानी गई तो किसकी? पवन सिंह की। और पवन सिंह से मैनकाइंड ने ये गाना आत्मनिर्भर बनेगा भारत वंदे मातरम ये गवाया भोजपुरी में। जी हाँ, आपको तो सभी को पता है कि भोजपुरी में पवन के अलावा भी कई ऐसे सिंगर हैं जो विश्व प्रसिद्ध हैं, फिर वो चाहे माननीय शारदा सिन्हा हो, कल्पना हो या फिर माननीय अवस्थी हो। लेकिन जब बात हुई इतने बड़े सॉन्ग को गवाने की तो पवन सिंह को ही क्यों चुना गया? तो हमने आपसे अपने कई वीडियोस में ये कहा है कि पवन सिंह अब अपनी छवि सिर्फ नीट एंड क्लीन रखना चाहते हैं, अपने साथ कोई विवाद नहीं चाहते, क्योंकि आगे चलकर उन्हें भोजपुरी के लिए बहुत काम करना है। और फिर ये जो कंपनियां होती हैं वो हर तरह से अपने फील्ड में सबसे अच्छा करने वाले लोगों को ही ढूंढती हैं। और ऐसे में जब भोजपुरी मैनकाइंड के जहन में आई, जो कि बहुत बड़ा मार्केट है, जी हाँ, आज आपको भोजपुरी नाम से लोगों को थोड़ा सा वो लगता है कि भोजपुरी, लेकिन भोजपुरी एक बहुत बड़ा मार्केट है। इसलिए जब बात हुई किसी सिंगर को चयन करने की तो सबसे पहला नाम पवन सिंह का ही आया, क्योंकि पवन सिंह की ह्यूज फैन फॉलोइंग है और पवन सिंह का गाना आते ही मार्केट में छा जाता है, जिस तरह ये गाना छा गया है। और वैसे भी इस गाने के कमेंट बॉक्स में आप जाकर देखेंगे तो लोगों को ये गाना बहुत पसंद आया है, लोगों ने भर भर कर लाइक्स दिया है और ये कहा है कि वो प्राउड फील करते हैं कि मैनकाइंड जैसी बड़ी फार्मा कंपनी ने पवन सिंह को चुना इस गाने के लिए, भोजपुरी को इतनी बड़ी तवज्जो देने के लिए, क्योंकि भोजपुरी का मार्केट देश में नहीं विदेश में भी, भारत से बाहर भी भोजपुरी बोली जाती है। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।